हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केजरी हिंदी पे। आज हम जो डिस्कस करने वाले कि आरआरबी एलपी सिप्टी टू का रिजल्ट कब आएगा। ये दो बार रिजल्ट आ चुका है, तीसरी बार रिजल्ट आने वाला, तो मैं रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहा हूँ आपको यहाँ पे कि उसकी डेट क्या है। उसकी डेट भी यहाँ पे बताई जाएगी और रिवाइज रिजल्ट में को जो रिजल्ट में बदलाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि दो बार रिजल्ट आया और दोनों बार बदलाव हुआ था और तीसरी बार भी होगा या नहीं होगा, एकदम सटीक जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो ये रिजल्ट के बदलाव की हम बात करेंगे, उससे पहले हम रिवाइज रिजल्ट की डेट की बात करेंगे। रिजल्ट की डेट मतलब कब तक आ सकता है ये रिजल्ट डेट। वैसे 3 से 4 मिनट का वीडियो है, फटाफट इसको स्किप मत कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ केजरी हिंदी को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जो कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को शेयर जो कीजिएगा और कमेंट के जरिए कोई भी सवाल जो आप कर सकते हैं उसका 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको मिलता भी होगा। तो ले चलता हूँ इस अपडेट की ओर फटाफट, और यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपको उस अपडेट की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ कि आरआरबी एलपी सीबीटी टू रिवाइज रिजल्ट 2019 एक्सपेक्टेड एंड ऑफ अप्रैल बताया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आप हर किसी की बातें मत आए, क्योंकि मैंने कई वीडियो भी देखे हैं उस चैनल के ऊपर, मतलब वीडियो यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि 2 से 3 दिन में आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम कन्फर्म बता ही नहीं सकते, लेकिन एंड ऑफ अप्रैल आएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 से 6 दिन का टाइम लगता है कोई चीज़ बताया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आज ये चीज़ बताए 2 से 3 दिन में आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमेशा कोई भी रिजल्ट जारी किया जाता है उससे पहले नोटिस जारी किया जाता है रेलवे के द्वारा, तो आपको पता चल जाएगा और मैं आपको जैसे नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एंड ऑफ अप्रैल ही आएगा, पहले कभी नहीं आने वाला, क्योंकि 5 से 6 से 7 दिन आपके पास बचे हैं, उसमें आ सकता है, लेकिन इसके 2 दिन में आने वाला है नहीं, क्योंकि ये तीसरी बार रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ मतलब बारीकी से ये चीज़ें देखी जाएगी कि आगे जाके ये दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अभी नीचे ले चलता हूँ आपको फटाफट। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये अपडेट देखो, ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैं फटाफट वो वीडियो वो अब ये बताना है कि मेरे को रिजल्ट में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको यही दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे 16 अप्रैल को ये रिजल्ट आया था, फिर वापस ये CBT 3 का मतलब ये जो रिजल्ट आने वाला है, और सॉरी 16 अप्रैल को जो पोस्टपोन कर दिया गया बाद में रिजल्ट डेट को, तो आपको पता होगा कि CBT 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CBT 2 का जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ अप्रैल आएगा, इन्होंने ये साफ साफ बोला, आप इस चीज़ को पूरा कंप्लीटली पढ़ लीजिए। अब मैं उस अपडेट की ओर ले चलता हूँ कि जहाँ पे ये बताया जाएगा कि रिजल्ट में बदलाव होगा या नहीं होगा, तो ठीक है फटाफट ले चलता हूँ उस अपडेट दूसरी अपडेट की ओर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पहली बार रिजल्ट आया था तब स्कोर कार्ड जारी किया था उन्होंने, तब स्कोर कार्ड में कुछ अलग मार्क्स आ रहे थे। दूसरी बार उन्होंने तब जारी किया था जब स्कोर कार्ड में कुछ मार्क्स अलग आ रहे थे, ठीक है, जो रिजल्ट जारी किया। अब ये तीसरी बार जो रिजल्ट जारी करने वाले, इसमें भी स्कोर कार्ड के मार्क्स है ना वो बिल्कुल डिफरेंट आएंगे, ये मैं आपको श्योर बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने पहले स्कोर कार्ड जारी किया था उसमें तो बिल्कुल ही अलग थे और यहाँ पे कुछ अलग थे, ठीक है। आपको सबको पता होगा चाहे 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस जरूर था। तो यहाँ पे तीसरी में ये होगा कि ये थोड़ा लेट क्यों आएगा, ये एंड ऑफ अप्रैल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका रीज़न पहला ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहला जो रिजल्ट आया था उसमें जो स्कोर कार्ड जारी किया था उसमें डिफरेंट मार्क्स थे, आपको सबको पता होगा, और दूसरे में भी डिफरेंट मार्क्स थे, ठीक है। उन दोनों को ये देखा जाएगा, फिर उसके बाद में आपको इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पार्ट बी में है ना काफ़ी स्टूडेंट्स 1-1, 2-2 नंबर से रह रहे हैं, आप इस चीज़ का आपको इस चीज़ का बिल्कुल पता होगा। तो मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो तीसरा रिजल्ट आएगा उसमें श्योरली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट 1-1, 2-2 नंबर से रह रहे थे पार्ट बी में, उसको पास किया जाएगा, उन स्टूडेंट्स को पास किया जा सकता है, ठीक है। और इसका रीज़न ये हो सकता है, इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा, इसका फ़र्क सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन की कट ऑफ पे पड़ेगा, और उसके बाद में एल की कट ऑफ पे पढ़ना ही है, क्योंकि उससे मतलब अभी फाइनल अभी एक एग्जाम और लगेगा, लेकिन टेक्नीशियन की कट ऑफ पे उस पर ज़्यादा फायदा मतलब जो फ़र्क पड़ने वाला है वो ज़्यादा है, क्योंकि जिनके पार्ट बी में कम मार्क्स आ रहे हैं उनके पार्ट ए में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपको इस चीज़ का पता होगा, चाहे कोई सा भी ट्रेड से हो वो कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक जो कीजिएगा और शेयर जो कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब जो कीजिएगा चैनल को और उठाइए लेटेस्ट अपडेट का फायदा, आपको यहाँ पे एकदम सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने मुझे कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।